हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल कपिल और इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं शिवाजी महाराज की जिंदगी के बारे में। तो हमने शिवाजी महाराज की जो जिंदगी है उसको बहुत कई भागों में उसको डिवाइड कर दिया है। तो ये जो भाग है वो पहला भाग है। तो पहले भाग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज और उनकी चाइल्डहुड कथा। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उसके बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है वो भी दबाना ना भूलिएगा। तो शिवाजी महाराज जो थे उनकी माँ थी जीजाबाई और उनके पिता थे शाहजी राजे। तो शाहजी राजे जो थे उनको बेंगलुरु और पुणे की जागीर दी गई थी निजामशाही और आदिल शाह के इसमें। तो शाहजी राजे जो थे वो हमेशा कैंपेन्स या दूसरे कई बैटल्स में बिजी रहते थे क्योंकि तब आदिल शाही, निजाम शाही और मुगल शाही, तो इन सब में लगातार बैटल्स होती रहती थी, तो इसलिए शाहजी राजे हमेशा बिजी रहते थे। तो शाहजी राजे जो थे उन्होंने प्रेग्नेंट जीजाबाई को विश्वास राव, उनके करीबी रिलेटिव, उसको दे दिया और विश्वास राव और जीजाबाई सब शिवनेरी फोर्ट में चल पड़े। तो शिवनेरी फोर्ट में ही शिवाजी महाराज का जन्म हो गया। तो शिवाजी महाराज की माँ थी जीजाबाई, पिता थे शाहजी राजे और उनका और एक बड़ा भाई था, वो था संभाजी राजे। तो शिवाजी महाराज ने संभाजी राजे को जब वो 5-7 साल के थे तभी देखा था, बाकी उसने देखा ही नहीं अपने भाई को। तो शिवाजी महाराज का जो जन्म था वो था 19 फरवरी 1630 और शिवनेरी के किले में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे आदिल शाही और निज़ाम शाही के अंडर शाहजी राजे एक जागीरदार थे, इसीलिए शिवाजी महाराज की जो जन्मदिवस है वो भी धूमधाम से मनाया गया। तो उनका जब जन्म हुआ वो भी धूमधाम से मनाया गया। तो अभी आपको आपको ये लगता रहेगा कि शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी महाराज क्यों रखा, तो ये भी एक बहुत अच्छी कहानी है। तो जब जीजाबाई प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने बहुत से अपनी दास्ताएँ, बहुत से अपने दुख शिवावी देवी से अपने दास्ताएँ बोले थे, तो इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम शिवाजी रखने का निर्णय लिया। तो शिवाजी महाराज जो थे वो बहुत ही अच्छे थे और उनको बहुत अच्छे गुण लाए अपनी माता जीजाबाई ने। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि शाहजी राजे बहुत से कैंपेन्स में बिजी रहते थे, इसलिए शिवाजी महाराज जो थे वो शाहजी राजे को इतने अच्छे से नहीं मिल पाते थे। और एक बार क्या हुआ कि जब वो 7 साल की उम्र के थे तो वो बेंगलोर गए। तो बेंगलोर में उन्होंने तब भी पहली बार उन्होंने अपने पिता शाहजी राजे से मिले। तो आप समझ सकते हैं कि जब वो बेंगलोर गए तो उनकी ट्रिप बहुत अच्छी थी। उनके ट्रिप पे जब आते आते शाहजी राजे इतने खुश हो गए कि उन्होंने शिवाजी महाराज को अपनी पुणे की जागीर देने का फैसला कर दिया। तो भले ही वो उनके बेटे थे पर पहले से ही बचपन से ही शिवाजी महाराज एक जागीरदार हो गए थे, बट शाहजी राजे के अंडर। तो फिर शाहजी राजे ने अपनी पुणे की जागीर संभालने के लिए बहुत से इम्पोर्टेंट अपने मिनिस्टर्स भेजे थे। तो उन मिनिस्टर्स में से एक थे दादोजी कोंडदेव। तो दादोजी कोंडदेव जो थे वो शिवाजी के टीचर थे, आप ऐसा मान सकते हो। तो शिवाजी के टीचर और भी उनको कई एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स और अपनी पुणे की जागीर कैसे शेप करना सिखाया था, फिर कैसे आप आम जनता को एक साथ मतलब उनके दास्ताएं सुना देते आम जनता उनको, वो कोर्ट के हेड थे वो निर्णय लेते थे। तो ये सब ये सब दादोजी कोंडदेव ने शिवाजी महाराज को सिखाया था। अभी दूसरे आप फोटो में देख सकते हो, जो मिडल वाला फोटो है उसमें देख सकते हो, तो वो थे मानकोजी धातुंडे। तो मानकोजी धातुंडे जो थे वो थे सारनोबाद। तो सारनोबाद भेजा था क्योंकि ऐसे उनकी आर्मी को संभालने के लिए, शिवाजी महाराज की आर्मी को संभालने के लिए। तो मानकोजी धातुंडे को आप सारनोबाद भी कह सकते हो, वो सबसे पहले और प्राइमरी सारनोबाद थे। सारनोबाद मतलब कैवलरी इन चीफ, तो कैवलरी की मतलब कैवलरी का चीफ, तो मतलब सेनापति आर्मी का। तो तीसरे आप देख सकते हो वो थे सानोपंत दाबीर। तो दाबीर मतलब होता है फाइनेंस मिनिस्टर, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दी जागीर ऑफ पुणे, तो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे जागीर पुणे की जागीर के। तो आप समझ सकते हो कि दादोजी कोंडदेव ने शिवाजी महाराज को बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया था। तो शिवाजी महाराज जो थे उनके कई मित्र थे और हर एक जब
उनको रोहिणेश्वर जाने का बहुत मन था। तो जब भी किसी ट्रिप में जाते, जब भी किधर जाते, वे उनके हर एक कई कई दोस्त बन जाते। तो उन दोस्तों में से एक थे, बहुत से थे, येसा जी, ताना जी, चिन्ना जी, बालाजी। और आप बोलेंगे कि हम जो है अभी आप और मैं, अब हमने हमारे एज के ही लोगों को हम दोस्त बनाएंगे, पर शिवाजी महाराज ऐसे नहीं थे। उन्होंने 60 साल की उम्र वाले बाजी पुलास्कर को भी अपना दोस्त समझ के ले लिया था। तो इसीलिए सबको शिवाजी महाराज बहुत पसंद थे। और इन दोस्तों में से बहुत सारे दोस्त ही पहले सूबेदार और सरदार बने आर्मी के, जैसे आप समझ सकते हो तानाजी और येसा जी। तो अभी शिवाजी महाराज का पहला जो ये था, पहला जो मैरिज था, वो 7 और 8 ईयर्स में हुआ था। तो मतलब जब वो 8 साल की उम्र में थे तब उनका पहला मैरिज हुआ था। तो पहला मैरिज उनका हुआ था साईबाई के साथ और दूसरा हुआ था सोहराबाई के साथ। शिवाजी महाराज उनके बहुत से वाइफ थे, इसलिए हम इस वीडियो में सिर्फ 2 वाइफ्स को ही कवर करेंगे। तो साईबाई जो थी वो संभाजी महाराज और सखूबाई की राम की माँ थी, और सोहराबाई जो थी वो राजाराम महाराज की माँ थी। तो हम देख सकते हैं अभी ये जो है वो वीडियो का लास्ट पार्ट है, तो ओथ ऑफ रोहिणेश्वर। तो जब शिवाजी महाराज को बहुत लगता था, जब वो बेंगलुरु गए अपने पापा से मिलने, तो वे उनके शाहजी राजे भी चौंक गए कि कितने अच्छे गुण और नियंत्रण जीजाबाई ने उनको सिखाए थे। पर शिवाजी राजे को ये सुनकर दुख होता था कि जो मुगल सरदार थे, जो मुस्लिम्स थे, वो जो औरतें थे, वो जो आम जनता थी, उनको कुछ देखभाल नहीं करते थे और ऐसे ही छोड़ देते थे और बहुत सारे को किडनैप कर लेते थे। इसलिए उनको शिवाजी महाराज को ये दुख समझा नहीं जा रहा था। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसा एक किंगडम बनाए, ऐसा एक स्वराज्य बनाए, ऐसी एक जगह बनाए जहाँ पे जो महिला मंडल थी और बेटियाँ थी वो इजीली घूम सकते, फ्रीली घूम सकते, कुछ डर नहीं था उनको, और सब लोग नियंत्रण से रह सके। तो ये उनका सपना था, इसलिए उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में ये सपना किया। तो आप फोटो में देख सकते हैं कि कई सारे लोग थे, इनमें से लोग थे तानाजी, येसा जी और बाजी पलास्कर। तो गाइस धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि 1 सब्सक्राइबर से भी बहुत होता है हमारे चैनल को। गाइस